2005 तक हम सिर्फ सरसों के तेल का काम करते थे, 2005 से हमने रिफाइंड भी इंट्रोड्यूस किया, और 2006 में आके ही हमने रिफाइनरी लगाई पहली अपनी 2006 में, फिर 2012 में लगाई एक और रिफाइनरी लगाई, 50 टन की रिफाइनरी थी वो, बढ़ के फिर 120 की हुई, फिर 350 की हुई, फिर एक नई रिफाइन लगाई 100 की लगाई, 100 वाली को 450 किया और 350 वाली को 550 किया 16 से लेके और 20 तक, 2016 से 2020। ये तो जर्नी है कि जहां जहां लगा कि जहां क्वालिटी की कदर है उसकी तरफ लगातार 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 चलते गए, कहीं सफलता मिली कहीं सफलता मिली, लेकिन अल्टीमेटली तेल की कहानी जो है वो यहाँ पर आकर निबट गई। 2016 में हम इंडिया हम पहला फुल्ली ऑटोमेटिक एक प्लांट लाए जो एशिया का सबसे बड़ा है, और जो एक बार में 600 टन पर शिफ्ट क्या कहते हैं फिल कर सकता है। मस्टर्ड के बाद फिर सनफ्लावर रिफाइंड है, सोयाबीन रिफाइंड है, अच्छा। इन दो पे अभी जो है बहुत सारे प्रोडक्ट और चालू करे, कनोला किया, राइस रिफाइंड किया, तो जो जो प्रीमियम सेगमेंट के तेल हैं उन सबको धीरे धीरे करके इन करते जा रहे हैं। पहले सरसों का तेल बेलकुलू नाम से करते हैं, हाँ। और बाकी जितने रिफाइंड है वो नरिश के नाम से करते हैं। कंपनी दो हिस्सों में बटी हुई है, एक FMCG प्रोडक्ट और एक रिफाइनरी सेक्शन। अगर रिफाइनरी सेक्शन की बात करें तो रिफाइनरी सेक्शन का अपना खुद की सेल, खुद का टोटल प्रोडक्शन 1200 करोड़ का है। FMCG की बात करें तो FMCG का खुद का अपना जो सेल है वो 1300 करोड़ के आसपास है, जिसके अंदर से 900 करोड़ रुपए से 950 करोड़ के आसपास की, 900 से बीच की सिर्फ बेलकोलू भी सेल है। 200 करोड़ के आसपास नरिश के अलग रिफाइंड वगैरह का जो सेक्टर में इस साल चालू किया है उसकी है, और करीबन 250 करोड़ की सेल हमारे नरिश के जो नए प्रोडक्ट किचन प्रोडक्ट जो 120 हो गए अब तक उनकी सेल है। तो 1500 करोड़ की सेल FMCG सेक्टर में है। ये बढ़ के अगले साल तक मुझे लगता है ये शेयर जितना बेलकुल होगा वहां तक पहुंच जाएगा विद इन 2 ईयर्स। 1000 करोड़ का ये होगा, 1000 करोड़ का सनफ्लावर होगा। जो पहले आता है वो लीडर कहलाता है। सनफ्लावर में हम इमीडिएट एंट्री की है, सोयाबीन में जस्ट एंट्री की है, या राइस ब्रान में जस्ट एंट्री की है, कनोला में एंट्री की है, तो पहले दिन सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन 2 साल के अंदर मुझे लगता है FMCG में 1000 करोड़ में बेलकुलू रहेगा, 1000 करोड़ में और सारे तेल होंगे, और 1000 करोड़ में फूड प्रोडक्ट हो जाएगा। 3000 करोड़ का सिर्फ FMCG का सेल आना चाहिए। हाँ, नॉन मस्टर्ड पे फोकस है, हमारे पास रिफाइनरी ना बैकअप हमारे पास है, हम बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी बना सकते हैं, लेकिन मार्केटिंग करने में अभी पीछे हैं, अभी स्ट्रेंथ नहीं है, और ये तो मुश्किल से 6 महीने की, इसमें कुछ कोई 6 महीने का प्रोडक्ट है, कोई साल भर का प्रोडक्ट है, तो चलते 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 इट विल टेक टाइम। लेकिन चूंकि सोयाबीन का सनफ्लावर का मार्केट सरसों से भी बड़ा है, तो इसको निश्चित रूप से अगले साल जितना सरसों हुआ हो उतने का रिफाइंड का हमारा पहुंच जाना चाहिए। लेकिन जो जो FMCG का सेक्टर है अगले 2 साल में इसको 3000 करोड़ पे ले जाना पड़ेगा। किचन में जितने प्रकार के भी आइटम, बड़ी हो, मसाला हो, सब चालू कर देंगे, और सारे आइटम विद इन 2 ईयर्स 2022 के एंड तक जितने भी आइटम्स की आवश्यकता किचन में होती है, टमाटो सॉस, नमकीन, जो कुछ भी जरूरत है, वो सबका सब हम 2 साल में ला देंगे। खड़े मसाले में, मसाला जो क्या कहते हैं खड़ा, मतलब बिना पिसा, फिर पिसे मसाले में जा रहे हैं, पिसे मसाले के तुरंत बाद फिर सॉसेज में जा रहे हैं, अभी नमकीन का प्लांट लगा रहे हैं, तो जो कुछ भी जिस चीज की भी, चाय में चले गए, चीनी में चले गए, तो जिस भी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है वो सारा माल हम पैक्ड रूप में आपको दे रहे हैं और सूटेबल साइज में दे रहे हैं। कि मान लीजिए किसी घर में मेथी की खर्चा जो है 100 ग्राम होती है महीने में, तो उसको 1 किलो क्यों दिया जाए, तो 100 ग्राम का पैकेट बनाओ। किस चिली कितनी खर्च होती है, तो ये सब सारी R&D चल रही है, डिमांड है वो दे रहे हैं। चाहते हैं कि जैसी बगान में थी जो बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी थी वो उसके किचन तक वैसी पहुंचे, और जब तक वो उसको खर्च करे तब तक उसकी क्वालिटी वैसी इंटेक्ट बनी रहे, ये इसके पीछे लॉजिक है। या ये आप कह सकते हो जो टैगलाइन है, प्रकृति से रसोई तक थ्रू साइंस। ओके, ये उसमें इनपुट है। फॉर दैट पर्पज हमने अभी 15 करोड़ की लागत से अल्ट्रा मॉडर्न फूड लैब बनाई है, रोयल्टन लैब एंड रिसर्च सेंटर। तो जो भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ बनता है
उस पर लगातार रिसर्च हो रही है, उसकी सारी टेस्टिंग हो रही है। ये पैन इंडिया खोलेंगे, पैन इंडिया हर हर जगह, बिहार में आइडिया है, बंगाल में आइडिया है, तो धीरे धीरे जा रहे हैं। अभी तो कुल 6 स्टेट में है, सारे स्टेट तक जाने की चेष्टा करेंगे। जहां भी स्टोर खोलेंगे वहां शॉप बना के हम देंगे, मिनिमम उसको चार्जेस देंगे, शॉप बना के देंगे, बाकी सब करके देंगे। वो उसको जो है उसका कमीशन होगा, वो काम कंपनी इतनी दूर तक जाके अपने ओन डिपो से काम नहीं चला सकती, क्योंकि बिजनेस तो बांटने से बढ़ेगा ना। तो अगर हमारे पास 100 परिवार और लगेंगे, हम ही चाहें कि हम 100 जगह हो जाएं, तो वो फार्मूला अब कहीं भी कामयाब होता दिखता नहीं। मेरे पास इस वक्त यहाँ पर करीबन 1,20,000 स्क्वायर मीटर जगह है, या ये में सारी फैक्ट्री फैली हुई है। 8 फैक्ट्री हमारी अलग अलग जगह पे लगी हुई है, जहाँ पे हर जगह अलग अलग तरीके का काम होता है। सब बरेली में, और सब बरेली में रहने वाला है। बरेली के अलावा मैन्युफैक्चरिंग कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि हम बरेली के अलावा और कहीं भी इंश्योर नहीं कर सकते क्वालिटी क्या है क्या नहीं है। सारी क्वालिटी RLRC से होकर जाती है, हमारी निगाह से होकर जाती है, उसमें कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर मैं ये बात करूं तो मुझे अपना ब्रांड चलाने में, 1986 की बात कर रहा हूं आपसे, और मुझे यहां तक पहुंचने में 40 साल लग गए, 35-40 साल लग गए। तो या तो मैं इसी स्पीड से माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से 35 साल में ग्रोथ करूं, और अगर मुझे 2 साल में ग्रोथ करना है तो मुझे फिर जो नए तरीके हैं, जो मार्केटिंग नए तरीके हैं, उन्हें अपनाना पड़ेगा। ऑफेंसिव तरीके से जो लोग सब मार्केटिंग कर रहे हैं, उसमें जाना पड़ेगा। इसके बिना हम, मुझे लगता नहीं कि हमें तरक्की मिलेगी। अदरवाइज ये 2 चीजें हैं, अगर पैसा नहीं है तो फिर आप टाइम लो, और या फिर टाइम कम है तो पैसा खर्च करो, अपने आप को टीवी पे लाओ। ये तो कन्फर्म है, जो दिखता है बिकता है।